दर्शकों का स्वागत है जी साडे एंटरटेनमेंट जोन दे विच। एक विलन रिटर्न्स एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो मोहित सूरी द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है, जो कि 2014 की फिल्म एक विलन के अध्यात्मिक उत्तराधिकारी वजो काम करती है। शोभा कपूर, एकता कपूर, भूषण कुमार अते कृष्ण कुमार द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर्स अते टी सीरीज दे बैनर हेठ तैयार किया गया है। फिल्म विच जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी अते तारा सुतारिया मुख भूमिकावां विच हन। ए 29 जुलाई 2022 नूं थिएटरिकल रिलीज लई तय किया गया है। आदित्य राय कपूर नू असल विच अर्जुन कपूर द्वारा निभाई गई भूमिका लई साइन किया गया सी, पर बाद विच मोहित सूरी नाल रचनात्मक मतभेदां दे कारण पिछे हट गए। मुख फोटोग्राफी 1 मार्च 2021 नू शुरू हुई। अब्राहम ने अक्टूबर 2021 विच शूटिंग पूरी की। पूरी फिल्म नू 24 मार्च 2022 नू समेटा गया, रैपअप किया गया सी। राकेश महादकर दे मुंबई ते राज करन दे 8 साल बाद एक होर सीरियल किलर ने जन्म लिया है। वधेरे बेरहम अते वधेरे खतरनाक, पर इको मास्क दी वरतो करता है, स्माइली मास्क। एक विलन रिटर्न्स दो व्यक्तियां दी एक तरफा प्यार दी कहानी है। अपनी प्रेम कहानियां नू पूरा करन लई ओ राज चुनदे हन जो ए तय करदे हन कि हीरो कौन है अते खलनायक कौन है। एक म्यूजिक शो नाल अपने करियर दी शुरुआत करने वाली अदाकारा तारा सुतारिया का कहना है कि उसकी आने वाली फिल्म एक विलन रिटर्न्स दे गीतां दा प्लेबैक करना एक सुपना सी। 26 साल दी उम्र दी एक्ट्रेस बचपन तो ही एक पेशेवर गायक सी अते डिज्नी इंडिया दे एक शो विच भी दिखाई दिती सी। शामत मोहित सूरी द्वारा निर्देशित एक विलन रिटर्न्स दा गीत फिल्मां विच सुतारिया दी गायकी दी शुरुआत नूं दर्शाउंदा है। उन्होंने दस्या कि मैं हमेशा अपनियां फिल्मां लई गीत गाउणा चाहुंदी सी। मोहित सर नाल मेरी जान पछाण 2.5 साल पहलां होई सी। मैनूं पता सी कि ओह इह फिल्म बना रहे ने ते उन्होंने कहा कि ओह इस भूमिका लई इक गायक चाहुंदे ने। गाउणा मेरी जिंदगी दा अहम हिस्सा रहा है। एक्टर बनण तों पहलां मैं संगीत कर रही सी। मेरे लई इह इक सुपने वांग महसूस होया। मैनूं बहुत खुशी हुई जदों मैं सुनिया कि मोहित सर चाहुंदे सन कि मैं अपने गीत गावां। एक विलन रिटर्न्स विच तारा सुतारिया ने आरवी दी भूमिका निभाई है, जिसनूं उसने एक जानकारी अते प्रतिभाशाली संगीतकार दस्या है। उन्होंने दस्या कि संगीत दा मतलब उस लई सब कुछ है अते इह ओह चीज़ है जिस नाल मैं रेजोनेट करदी हाँ। सब तो दिलचस्प गल इह है कि आरवी हार नहीं मन्नेगी अते इह अज बहुत सारे मर्दां अते औरतां लई सच है। असी एक पीढ़ी हाँ जो इसनूं असली रखते हाँ। सुतारिया ने कहा कि सह स्टार दिशा पटानी वर्गा उसका किरदार ग्रे है अते एक विलन रिटर्न्स विच कोई भी औरत आम कुड़ियां नहीं हैं। ये एक नवा विचार है कि औरतां किहो जिहियां हो सकदियां हन जदों ओह सख्त, मजबूत अते माड़ियां हुंदियां हन। मैं अते दिशा दे दोवें किरदार ओह जो भी चाहुंदे हन ओह करनगे। ओह अडोल हन अते ओह दसन तो डरदे नहीं हन जो भी ओह हन, जो भी ओह महसूस करदे हन।
ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰਿਆ ਲਈ 1996 ਦੀ ਫਿਲਮ 101 ਡਲਮੇਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਕੁਏਲਾ ਡੀ ਵਿਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਗਲੇਨ ਕਲੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਕਾਜੋਲ ਦਾ ਜਨੂਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਐਕਟ ਉਸਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮਹਿਲਾ ਖਲਨਾਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ट्रेलर की शुरुआत पहली फिल्म एक फिल्म की रीकैप नाल होती है जिस विच सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख अते श्रद्धा कपूर ने अभिनय किया सी। फिर असी हौली हौली सीक्वल के पात्रा नाल जान पछाण कराए जाते हैं अते ये खुलासा हुंदा है कि एक कातल फरार है। कातल उन्हां औरतां नूं निशाना बनाउंदा है जो अपने स्टॉकर के प्यार का बदला लैण तों इनकार करदियां हन। ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਤਾਨੀ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡਸ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਲਨਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਿਤ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕ ਵਿਲਨ ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਏਕ ਵਿਲਨ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਵਿਲਨ ਰਿਟਰਨਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਰਾਈਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੂਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹਾਫ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਪਤਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਲੰਗ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।